हाई एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन बिलो. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आपको GTI निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है इंडिविजुअल SSC की. सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा और ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से हेड की इनकम आ रही है. सैलरी मिल रही है इनको, विच इंक्लूड्स DA 6,50,000. यू अंडरस्टैंड सैलरी एंड DA आर फुली टैक्सेबल. कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस इज एन ऑफिशियल अलाउंस, लोकल ट्रैवल के लिए दिया जाता है. अगर आप विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, फुली एग्जेम्प्ट. अगर हाँ इसमें से कुछ सेविंग हो जाती तो वो टैक्सेबल हो जाता है. बोनस फुली टैक्सेबल. सैलरी ऑफ सर्वेंट, इट्स अ टैक्सेबल परक्यूजेट फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है ये, क्योंकि इनकी इनकम 50,000 से ज़्यादा है पर एनम की, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं. सैलरी या फिर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस वगैरह सब कुछ इनके हाथों में टैक्सेबल होने वाले हैं. 48,000 को टैक्सेबल करिएगा. बिल्स पेड फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस अगेन टैक्सेबल ही रहेंगे. 82,000 इज फुली टैक्सेबल. आगे दिया गया है, दिनेश परचेज अ फ्लैट इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. तो शायद हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आ रही है इनकी. द्वारका में इन्होंने एक फ्लैट परचेज करा है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन. सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए करा है तो इसकी NAV निल हो जाएगी. कितने का फ्लैट था? 35 लाख रुपीज़ का, विच वॉज फाइनेंस बाय अ बैंक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया. 20 लाख रुपीज़ एट 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो आप इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो 24B में, बट मैक्सिमम 2 लाख ही रहता है. उन्होंने घर कैसे परचेज करा है? 20 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, 5 लाख उनके पास अपनी सेविंग थी और उनके पास कोई FD या दूसरे डिपॉजिट्स थे 10 लाख रुपीज़ के. ये 5 लाख और 10 लाख की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है. कोई भी अगर इंडिविजुअल अपने लिए घर परचेज करता है तो अपने वेरियस सोर्सेज से, जहाँ जहाँ पर उसकी इनकम, जहाँ जहाँ पर उसके अमाउंट है, वो वहाँ से विड्रॉ करता है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था. कुल मिला के इन्होंने घर खरीदा है लोन के ऊपर, हम इंटरेस्ट अलाउ करा पाएंगे 24B में और NAV इसके निल लेने वाले हैं. आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से भी, इनके पास डिपॉजिट चल रहा था, उन्होंने वहाँ से लिया था. टू हूम ही लेट आउट हिज अनदर हाउस इन रोहिणी. इसका मतलब इनके पास एक पहले से घर था जो इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को किराए पर दिया गया है और उसका किराया आता है 35,000 पर मंथ. इट मीन्स इंडिविजुअल हैज़ टू हाउसेज, वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर इज लेट आउट. आपको दोनों की इनकम निकालनी पड़ेगी. सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए NAV निल लेंगे, बट क्योंकि उसके ऊपर लोन चल रहा है तो 24B की रिडक्शन मिल जाएगी. और दूसरा घर जो रोहिणी वाला है, इट इज एक्चुअली लेट आउट, तो आपकी उसकी इनकम तो आने वाली है. इसका मतलब इनकी सैलरी इनकम आ रही है और हाउस प्रॉपर्टी इनकम आती है. आगे पढ़ते हैं. अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो. म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करें हैं द्वारका के और रोहिणी के फ्लैट के. आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होते हैं क्योंकि उसकी NAV ही निल लेंगे. बट हाँ, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है आप उसके म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर सकते हैं GAV में से. सेकेंड पॉइंट से, प्रिंसिपल लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2018 इज 18,50,000. इसका मतलब जो इन्होंने लोन लिया था, इट वॉज ऑफ रुपीज, इनिशियली इट वॉज ऑफ 20 लाख, बट अभी जो लोन चल रहा है वो 18.5 लाख का चल रहा है. इसका मतलब जब आप 24B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप 18.5 लाख के ऊपर ही आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. He also paid 8,000 towards insurance of both the houses. अगर हम house property में कोई भी खर्चा करते हैं, municipal taxes तो allowed होते हैं पर बाकी के कोई भी expenses allowed नहीं होते. इसी की वजह से तो हमें 30% standard deduction मिलती है. तो insurance, आप एक note देंगे जब आप house property की income calculate करेंगे कि insurance of houses is not an allowable expense under house property. फोर्थ पॉइंट कहते हैं, इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18 ही हैज़ गिफ्टेड 40,000 ईच टू हिज वाइफ एंड माइनर चाइल्ड. इन्होंने 40,000 रुपये गिफ्ट करें अपनी वाइफ को और माइनर चाइल्ड को. शायद क्लबिंग के बारे में कुछ बातें कहेगा. और उन दोनों ने ही पैसे दिए हुए मिस्टर संदीप को, हु इज पेइंग इंटरेस्ट एट 18% पर एनम. तो जो इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ से 18% पर एनम, वो वापस क्लब हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथों में, यानी कि मिस्टर दिनेश के हाथों में वो टैक्सेबल होने वाला है. वाइफ से जितनी भी इनकम आती है क्लब कर दीजिएगा. 40,000 के ऊपर आप 18% निकाल सकते हैं. दूसरा, जो माइनर सन की इनकम आ रही है वो भी क्लब हो जाएगी. हम एजम्पशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम मानेंगे कि दिनेश की इनकम ज़्यादा है अपनी वाइफ से, इसीलिए माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो रही है फादर के हाथों में. बट माइनर चाइल्ड की कभी भी इनकम क्लब करते हैं तो यू अंडरस्टैंड देयर इज अ सेक्शन 10 जो कहता है 1500 पर चाइल्ड की यहाँ पर डिडक्शन करने के बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं. तो जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसमें से 1500 माइनस करने के बाद ही IFOS की इनकम बनाइएगा. IFOS की इनकम बनाइएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम है. फिफ्थ पॉइंट सेज, मिस्टर दिनेश सन इज स्टडिंग इन अ स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर कंपनी थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर 18-19. यानी कि एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है बेटे को.
फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसकी सिमिलर वैल्यू 2500 पर मंथ है। आपको पता है सैलरी इनकम में हम कितना टैक्सेबल करते हैं, अगर चिल्ड्रन को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है और उसकी कॉस्ट 1000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं है तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, बट अगर 1000 से ज़्यादा है तो फुली टैक्सेबल कर देंगे। इसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप प्लीज़ इसको फुली टैक्सेबल ही लीजिएगा। 2500 पर मंथ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 1500 मत लीजिएगा, 2500 माइनस 1000 मत कीजिएगा, 2500 पर मंथ पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इनटू 12 मंथ्स, यानी कि 30,000 रुपये। सिक्स पॉइंट कहता है कि मिस्टर दिनेश को गिफ्ट भी मिले हैं 45,000 ईच फ्रॉम टू ऑफ हिज फ्रेंड्स। आपको पता है अगर कैश गिफ्ट मिलते तो टैक्सेबल होते हैं, एग्रीएट करेंगे 90,000 रुपीज़ आएगा, 45,000 इनटू टू 50,000 से ज़्यादा है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा 90,000 रुपीज़। तो इनकी IFOS की इनकम आ रही है। तो हम लोग इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमेशा टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ उसका फर्स्ट मेन आंसर को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। प्लीज़ बताइए इनकी कौन कौन से हेड से इनकम आ रही है। फर्स्ट इज़ सैलरी, सेकंड इज़ हाउस प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज़ IFOS। आप इन तीनों की इनकम के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। सैलरी के लिए आप बहुत अच्छे से वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पर आप शो कीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या मिलता है। आप सारी चीज़ की हमेशा सैलरी का क्वेश्चन करते समय हमेशा लिस्ट बना लीजिए आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से क्या क्या मिलने वाला है। तो जितना भी चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती हैं उसकी लिस्ट बनाइए, उसके बाद में देखेंगे क्या हमें इसको टैक्सेबल करना है या इसको टैक्स नहीं लगाना है। तो सबसे पहले सैलरी प्लस DA मिलता है, कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है, बोनस, सर्वेंट फैसिलिटी, गैस इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसकी लिस्ट बना लीजिए। अब इसको देखिएगा क्या क्या टैक्सेबिलिटी आ रही है। बेसिक सैलरी एंड DA फुली टैक्सेबल होता है, कन्वेंस अलाउंस एग्जेम्प्ट है, बोनस, सर्वेंट फैसिलिटी, गैस इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फुली टैक्सेबल है, और साथ साथ में एजुकेशन फैसिलिटी क्योंकि वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा थी तो वो भी फुली टैक्सेबल हो जाएगी। इस तरीके से आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में से आप तीन डिडक्शंस देते हैं सेक्शन 16 की, तीन डिडक्शंस होती हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमेशा मिलती है, दैट इज़ द ग्रॉस सैलरी, और 40,000 विच एवर इज़ लोअर, तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा है और ना ही ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था तो वहाँ पर भी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। इस तरीके से आप अपनी सैलरी इनकम शो कर दीजिएगा और आपने मेन आंसर में इसको रख दीजिए। सेकेंड नोट है हाउस प्रॉपर्टी का, यहाँ पर आप दो घर हैं तो आप इसकी अच्छे से प्रेजेंट करिए, इसको दो कॉलम बनाकर, एक द्वारका का घर, दूसरा रोहिणी का। द्वारका का घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी NAV निल लेंगे, 24A अगेन निल हो जाएगा, 24B की इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा क्योंकि इंटरेस्ट 18.5 लाख का 11% इज 2,03,500। मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए आप 2 लाख ही अलाउ कर सकते हैं, तो आपका द्वारका के घर से लॉस आ गया 2 लाख रुपीज़ का। दूसरा घर लेट आउट है, 35,000 इंटू 12 4,20,000 रुपीज़ का आपका JV बन जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट वगैरह नहीं दिए गए हैं तो आप एक्चुअल रेंट को ही बेस मानते हुए JV निकाल दीजिए, उसमें से माइनस कीजिए म्यूनिसिपल टैक्सेस, NAV आ जाएगा, 24A की डिडक्शन मिल जाएगी। इस घर के ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा है तो इसलिए इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। आपकी यहाँ पर इनकम आ जाती है 2,85,600, क्योंकि एक घर में लॉस है तो वो आराम से सेटअप हो जाएगा दूसरे सोर्स से 285,600 से, एंड द हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बिकम 85,600, जो अपने मेन आंसर में आ जाएगी। तीसरी इनकम IFOS की है। IFOS की इनकी दो इनकम आती है, एक तो इंटरेस्ट की जो इनकम क्लब होने वाली है और दूसरी गिफ्ट्स की। गिफ्ट्स अगेन फुली टैक्सेबल हो जाएगा, कैश गिफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और क्लबिंग वाली इनकम वाइफ का जो इंटरेस्ट बनता है वो पूरा क्लब हो जाएगा, और माइनर सन का इंटरेस्ट में 1500 माइनस करने के बाद ही आप IFOS की इनकम बनाएंगे। तो टोटल इनकम आपकी IFOS की आती है 1,02,900, जो आप अपने मेन आंसर में रख सकते हैं। आई होप आप अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे हैं, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस तरह की एडजस्टमेंट्स की। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।